वो आज के बैठते हैं, रोज़ा अफ्तारी कराते हैं, वहीं उनके मित्र सहयोगी साथी आते हैं। यही हमारी देश की, समाज की और ख़ासकर लखनऊ की पहचान है कि सब मिल कर के रहते हैं। यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब है। सरकार ने पार्टी कार्यालय के सामने पता नहीं क्यों रोज़ा अफ्तारी के समय सीवर लाइन डालने का फैसला लिया। ये सरकारी ऐसी है, ये सरकार ऐसी है, अगर कोई अच्छा काम करना चाहेगा उस काम को न होने के लिए कोई तरीका ढूंढेगा। रोज़ा अफ्तारी की बहुत बधाई। और लखनऊ की तहजीब में ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, जिसमें किसी धर्म को मानने वाले लोग हैं एक बार इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ ये हमारे मुस्लिम भाइयों का त्यौहार है, वो आज के बैठते हैं, रोज़ा अफ्तारी कराते हैं, वहीं उनके मित्र सहयोगी साथी आते हैं। यही हमारी देश की, समाज की और ख़ासकर लखनऊ की पहचान है कि सब मिल कर के रहते हैं। यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब है। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस तहजीब को और आगे बढ़ाएं, आने वाली पीढ़ी भी मिल कर के रहे, एक दूसरे का सहयोग करे, एक दूसरे का साथ दे, दुख तकलीफ परेशानी में एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई दें। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी हमेशा रोजा इफ्तार की दावत करती है, अब की बार नहीं की? ये सवाल बहुत अच्छा पूछा आपने। अगली बार कराऊंगा, और इस बार इसलिए नहीं हुआ, सरकार ने पार्टी कार्यालय के सामने पता नहीं क्यों रोज़ा अफ्तारी के समय सीवर लाइन डालने का फैसला लिया। ये सरकारी ऐसी है, ये सरकार ऐसी है, अगर कोई अच्छा काम करना चाहेगा उस काम को न होने के लिए कोई तरीका ढूंढेगा। इस बार समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने सीवर लाइन डाली जा रही है, हालांकि पूरी गंगा से लेकर के जितनी भी नदियां सब गंदी पड़ी हैं, लेकिन इन्हें याद तब आई जब समाजवादी पार्टी के कार्यालय में रोज़ा अफ्तार होता है, उसी समय इनको याद आया कि सीवर लाइन यहाँ पे खुदनी है। ऊर्जा मंत्री अभी पिछली सरकार की गलती से कहते हैं कि बिजली संकट में पिछली बार सरकार की थी। मंत्री जी भूल गए, हो सकता है बिजली चली गई हो इसलिए भूल गए हो। जो कारखाने उन्होंने लिखे हैं अपने ट्वीट में, तीनों के तीनों कारखाने समाजवादी सरकार के बनवाए हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है, अगर इसने कोशिश की होती कि बिजली के लग रहे कारखाने पूरे हो जाएं, कोयला समय पर पहुंच जाए, तो आज उत्तर प्रदेश की जनता को इस संकट से, इस परेशानी से नहीं जूझना पड़ता। सोचिए, छोटे बच्चे हैं, माताएँ बहनें घरों में हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार लोग हैं, किस तकलीफ में रह रहे हैं, और कब बिजली आएगी और कब चली जाएगी। इन मंत्रियों के कार्यक्रमों में भी बिजली चली जा रही है, इसलिए बिजली का संकट पैदा किया है ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मुझे याद है, मैंने कल भी कहा, फिर मैं दोहराता हूँ बात को, मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूँ एक बार, मुझे याद है जिस समय यहाँ के लखनऊ के बड़े नेता लालजी टंडन जी वो लेकर के आए थे, श्याम देव राव चौधरी जो बनारस के विधायक थे, वो पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक वाराणसी में 24 घंटे बिजली नहीं आएगी तब तक वो धरने से नहीं हटेंगे। मुझे उस समय के जिलाधिकारी ने बताया, मैंने उन विधायक जी को और उस समय लालजी टंडन जी को बुलाया और कहा कि आज ही के दिन से वाराणसी में 24 घंटे बिजली होगी। लेकिन मैंने उनसे एक वादा करवाया था, और वादा ये करवाया था कि उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ जाए। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश की जनता ने जब दो दो बार दिल्ली की सरकार बनवाई, एक बार फिर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मौका मिल गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार मिलकर के भी उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा नहीं बढ़ा पाए। अगर इन्होंने तैयारी की होती बिजली खरीदने की, तो शायद उत्तर प्रदेश को अंधेरे में नहीं रहना पड़ता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा झूठ बोलने वाला दल नहीं है। याद कीजिए, उन्होंने वैध अवैध की बात की थी स्लॉटर हाउस को लेकर के, लेकिन एक्सपोर्ट में नंबर वन कर दिया देश को। ये जो लाउड स्पीकर वाली जानबूझ करके लेकर के आए हैं, वो जानते हैं कि अगर बेरोजगारी की बात करेंगे और बेरोजगारी के आंकड़े देने पड़ेंगे तो बेरोजगारी के आंकड़े नहीं हैं। आज भी नौजवान लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने जाकर के अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं। सोचो, ने लाठी खानी पड़ी।
और यही नहीं, पिछले 5 साल में न जाने कितने नौजवानों को लाठी खानी पड़ी, लाठी खा करके अपमानित होना पड़ा। और आज कई नौजवान ऐसे हैं जो सुनने में मिलता है और खबरें आती हैं कि वो आत्महत्या तक कर रहे हैं। इसलिए सरकार जानबूझ करके लाउड स्पीकर पे बहस छेड़ना चाहती है, और ये कोई आदेश आज का नहीं है, पहले से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया ये सरकार बताए कि जिन अधिकारियों के उपस्थिति में ये सब उल्लंघन हुआ है नियमों का, उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई सरकार करेगी। कि मायावती उत्तर प्रदेश में सिर्फ बीजेपी की वजह से जिंदा है और बीजेपी की बहुत सहायता करी 2022 विधानसभा चुनाव में मायावती ने, वो बात हो चुकी है। और बीजेपी की जो इंटरनल रिपोर्ट थी, उस इंटरनल रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने उनका साथ दिया। ये हमारे दाएं वाले साथी ने आपका सवाल भुलवा दिया। देखिए, पिछले 5 साल में भी कानून व्यवस्था खराब थी, लेकिन उन्होंने प्रचार के माध्यम से वो बात को दबा दिया। आंकड़े कभी सरकार ने पेश नहीं किए, जो आंकड़े दिल्ली की सरकार के पास हैं उसमें कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है उत्तर प्रदेश की। और आज तो देखने को मिल रही है कब किसकी हत्या हो जाए, कहाँ डबल मर्डर हो जाए, कहाँ खेती को लेकर के, जमीन को लेकर के ये हो जाए। इसीलिए कानून व्यवस्था पर बहस न हो, लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उस पर बहस न हो, इसीलिए सरकार ये बुलडोजर चला रही है। और सवाल बुलडोजर का अगर है तो वो दल देख करके, जाति देख करके, और ये देख करके कि मुसलमान का है इसलिए बुलडोजर चलेगा। अखिलेश सर, जो ओमप्रकाश राजभर है उन्होंने दावा किया है वो आजाद का जिसे मिलने जाएंगे, तो क्या देखिए बहुत सवाल है। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, समाजवादी पार्टी आदरणीय आजम खान साहब के साथ है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर, और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।